ये क्या देख रहा, सभी लोग सो रहे हैं लेकिन ये बंदर अभी जाग रहा है। इसके होते हुए मैं उन दोनों तपस्वियों को उठाकर नहीं ले जा सकता, तो क्या किया जाए? ओह, याद आया मेरे काका विभीषण भी यहीं पर है, तो क्यों ना मैं अपना रूप परिवर्तित करके चाचा विभीषण का वेश बना करके जाऊंगा और इन दोनों तपस्वियों को उठा करके ले जाऊंगा पाताल लोक। तो मेरी माया जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी आप, आप विचार कर रहे होंगे कितनी रात्रि हो गई लेकिन अभी तक हम जाग रहे हैं। आप तो जानते हो कि आज हमारी पुत्रवधि सुलोचना सती हुई है और लंका कितने बड़े वीर का इस धरती से जाना हुआ है, सो हमें निद्रा नहीं आ रही थी। इसी कारण समुद्र तट पर काफी देर बैठे रहे, सोचा भगवान के दर्शन करें। सो आप अभी तक जाग रहे हैं, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण जी, अभी तो कुछ पहले पल पहले आप आए थे। मैं आया? अवश्य। पुनः कब चले गए आप? नहीं, मैं तो अभी पहली बार तुमसे मिल रहा हूं। इस रात्रि में मैं तुमसे दोबारा नहीं मिला। नहीं नहीं विभीषण जी, मेरी भी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये भी कोई माया है क्या? अवश्य ही। अवश्य ही, जो कि हमारे महाराज रावण का एक पुत्र और भी है जिसका नाम है अहरावण। वो भेष बदल लेता है, रूप बदल कर वो मेरा भेष भी बना लेता है। यहाँ तक कि जिसकी इच्छा हो उसका रूप परिवर्तित कर अवश्य ही लगता है वो यहाँ आया होगा। यदि ऐसा है तो चलकर फिर देखना चाहिए प्रभु श्री रामचंद्र जी शयन कर रहे हैं कि नहीं। क्यों नहीं विभीषण जी, ये क्या देख रहे हैं प्रभु? प्रभु तो यहां नहीं है, यहीं पर शयन कर रहे थे। तो क्या वास्तु में प्रभु का हरण हुआ है? अवश्य ही, उसने रूप बदल कर अपने मन की यह चेष्टा करके यहां से लगता है हरण कर लिया है। तो वो प्रभु को लेकर पाताल गया होगा। अब ये आप ही जान सकते हैं जहां गया हो। नहीं, आप भी तो कुछ अनुमान बताएंगे, आपका भतीजा है। ये नहीं बता सकते कि कहां गया हो, पता नहीं जाने कहां ले गया। ठीक है, आप यहां रामादल की व्यवस्था को संभालें, मैं जा रहा हूं। जय श्री राम। नाथ, मेरे पेट में 12 दर्जन बच्चे हैं। मैं किसी मनुष्य का ताजा ताजा मांस खाना चाहती हूँ। ताजा ताजा मांस खाना चाहती हो, चिंता मत करो प्राण प्यारी। आज हमारे महाराज 2 बालकों की बलि देने वाले हैं, अवश्य ही आज तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन पातालपुरी कहाँ से जाओगे प्रभु? बस इसी वृक्ष के नीचे से ही तो रास्ता है, यहीं से निकल कर चले जाएंगे। चौं चौं ना कुछ कुछ आ, कुछ कुछ आ ले, कुछ कुछ आ ले, कुछ कुछ आ ले। बहुत बहुत धन्यवाद, इन अद्भुत पक्षियों के द्वारा मुझे विदित हो गया कि पातालपुरी का मार्ग इसी वृक्ष के नीचे से है। क्यों ना हो, मैं जाकर
उसके आने से पहले रावण के आने से पहले देवी में ही प्रवेश कर जाता हूँ। जय श्री राम। और यहाँ से जो अय रावण का पंडा होता है, पंडा पूजन की सामग्री बताता है और सभी प्रकार से बलि देने के लिए तैयार होता है। यहाँ से सुंदर देखें अपने हो बेला फूले आदि रात गंजरा में काके गल डालू हो बेला फूले आदि रात गंजरा में तपस्वियों को पाताल लोक में लेकर के आ गया। अब इनकी बलि दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पंडा नहीं है, क्योंकि देवी को खुश करना होगा, यज्ञ पूजन करना होगा, तब जाकर के देवी प्रसन्न होगी। पंडा, ए पंडा, वारे, हम न्योता खा नहीं जाएगा। अरे न्योता नहीं तो देख ला रहा हूँ। अरे कुआ हीरे, अरे महाराज कहाँ गया था? सोच करे ना, इतने ही काम है। औका ये एक साइड में रख दो, वहाँ साइड कहाँ है? यहाँ रखो नीचे। तुम तो अंग्रेज ये पौका था। नीचे रख। वह मोर डब्बा है, मन धरियो पानी का है, वह कमंडल पूजा पाठ करे यहाँ जहाँ का है मुही। पंडा, हमको यज्ञ करना है। यज्ञ करना है, उसमें कौन कौन सी सामग्रियां लगनी हैं? अच्छा वो तुम बताओ। आओ हम बता दें, ज्यादा नहीं लागे का है, थोड़ी थोड़ी लागे का है,
बवाल मनाई हमें पढ़े कहाँ है। कितना कितना लगना है? बहुत मुश्किल में तो फांसो है, कुछ अच्छो मांग लियो जाने के तो पूजा में तो थोड़ी थोड़ी लागे कहाँ मंगा लियो, कम से कम दो दो साल के लाने खाए का हो जाए, कुल दिन में तो फंस हुआ है। हाँ तो महाराज सामग्री लागे कहा ज्यादा नहीं लागे का।